क्लीनर का। एंट्री अच्छी है लेकिन बैठने का तरीका अभी बड़ा कैजुअल है। तो गाइस हमने ये वैक्यूम क्लीनर मंगाया है और इसका रीजन है कि हम लोग डस्ट से बहुत परेशान थे। अभी बहुत ही ड्राई सीजन चल रहा है बैंगलोर में और हर जगह डस्ट ही डस्ट है, तो हमने सोचा कि क्यों ना वैक्यूम क्लीनर ट्राई किया जाए और कितना एफिशिएंट है ये और कितना हमें बचा सकता है डस्ट से, ये हम देखेंगे। ऑनलाइन ऑर्डर किया था अमेजोन से, आप देख सकते हो, और हम लोग इसको अनबॉक्स करेंगे और इसका हम लोग रिव्यू भी देखेंगे, इसको यूज करके देखेंगे कि कितना पावरफुल है ये और क्या प्राइस रेंज में आता है, क्या ये लेना सही है नहीं है, काम आएगा नहीं आएगा, सब कुछ हम लोग इस वीडियो में देखने वाले हैं, है ना। तो गाइस चलो इसको खोलते हैं हम लोग, तो देखते हैं इसमें क्या है। मजा आएगा देखकर तो। अच्छा इसको हम लोग बाहर निकालेंगे अभी। ये आ गई हेमा जी, क्योंकि ये किट का वैक्यूम क्लीनर है और ये हैंडल वैक्यूम क्लीनर है, बहुत छोटा सा है, कॉम्पैक्ट है। तो हम लोग ये वाला बॉक्स खोलते हैं और देखते हैं कैसा है ये। ये आ गया देखो, तो ये है इसका हैंडल, क्वालिटी तो अच्छी लग रही है। और ये है हमारा मेन वैक्यूम जो बनाता है, जो मशीन है, मोटर है, जो भी बोल सकते हो आप। आप देख सकते हो इसका साइज, ये है इसका साइज। और ये है किंट साइक्लोनिक वैक्यूम क्लीनर स्टॉक। उसके पहले गाइस हम लोग ये यूजर मैनुअल पढ़ेंगे, इसको कैसे यूज करना है, कैसे असेंबल करना है, उसके बाद ही हम लोग इसको यूज करेंगे। मैंने देखा था। तो यहाँ पे गाइस अपना नोजल्स लगेंगे, जो भी नोजल्स लगाने हैं, जैसे कि ये वाला या फिर ये वाला डस्ट कंपार्टमेंट है ये वाला, और इसको खोलना बहुत आसान है, इसके बाद प्रेस करना है, ये निकल जाएगा। यहाँ पे फिल्टर है, दिस इज ऑल्सो फिल्टर, लगाना इसको आसान है। ऑन ऑफ बटन है, यहाँ से आप ऑन ऑफ कर सकते हो इसको। सबसे पहले गाइस इसका हैंडल हम लोग इसमें सेट करेंगे, ये भी बहुत आसान है। ये अपना जो ये क्लिप है, ये रेड कलर का, इसको ओपन करना है और ये लगाना, ये इस तरह से लगाना है, ये पूरा पूरा यहाँ पे सेट हो जाना चाहिए। उसके बाद आपको लॉक हो गया, ये फिक्स, दिस इज फिक्स्ड। तो ये यूजर मैनुअल है गाइस, इसमें आपको सारा स्टेप्स मिल जाएगा, कैसे इसको यूज करना है, कैसे असेंबल करना है, एक्सेसरीज जो भी हैं ये सब, उनको कैसे यूज करना है, उनको कैसे फिट करना है, इसमें सारा चीज में दिया हुआ है। यूज करने से पहले इसको जरूर पढ़िए, इसको जरूर रेफर कीजिए। ओके गाइस, तो ये है, इस एक्सेसरीज का नाम है हार्ड ब्रश, और इससे हम लोग फ्लोर कारपेट वगैरह जो भी है, सोफा वगैरह क्लीन कर सकते हैं। तो हम लोग पहले इसको लगा के ट्राई करते हैं। आपको ऐसा रखना है और ये ऐसा सेट हो जाएगा, ये रेडी है आपके यूज के लिए, और बहुत ही लाइट वेट है। हाँ, स्ट्रॉन्ग। हाँ, तुम स्ट्रॉन्ग तो हो, तब ये सारा डस्ट जो है इसके अंदर आ जाएगा। तो गाइस एक अच्छी बात इसमें है कि ये वायर जो दिया हुआ है कनेक्शन वाला, ये बहुत ही बड़ा है, आप देख सकते हो कितना हुआ, एक और कितना और है, इसके बाद भी कितना। तो वायर बहुत लंबा दिया हुआ है आपका, एक रूम के लिए आराम से आप एक कोने में प्लग करके दूसरे कोने तक क्लीन कर सकते हैं। ये बहुत अच्छी बात है, बहुत जरूरी चीज़ है, नहीं तो आपको एक्सटेंशन यूज़ करना पड़ता और वो एक अलग हेडेक हो जाता है। तो अभी हम लोग इसको कनेक्ट करेंगे, कनेक्ट करके चेक करेंगे कि इसकी सक्शन पावर क्या है और कैसा परफॉर्म करता है। ये स्टार्ट करो, पावर बटन कहाँ पे है, ये रहा पावर बटन। तो गाइस इसका पावर तो अच्छा लग रहा है, जितना छोटा दिख रहा है उतना ये है, मतलब पावर के हिसाब से उतना है नहीं। और अब हम लोग कुछ डाल के चेक करें, कुछ गंदगी डाल के चेक करें कि खींच पाता है कि नहीं। पापा एक बात बताऊं? बोलो ना। जब उसमें शूट करते हैं ना गंदगी में, जब उसका ऑन करते हैं ना गंदगी को ना जाके ना खींच लेता है अपने। हाँ, खींच के यहाँ पे आ जाएगा ये डस्ट कंपार्टमेंट में। ये मुड़ी है गाइस, इसको ट्राई करते हैं हम लोग। तो गाइस देखो आप, हमने ये डाल दिया नीचे, हम देखते हैं कि ये कितना इसका सक्शन पावर है, कितनी आसानी से खींच सकता है। वन सेकंड रुको, तुमको क्या करना है, तुमको ऐसे लेके आना है इधर, ठीक है, आगे लेके आना है, रेडी। हाँ, ओके तो कैसे? चलो लेके आओ
ये देखो, देखा ना हमारे कमाल, मजा आ गया ना। हाँ मजा ही आ गया, गंदा जैसे हो गया। ये देखो गाइस के अंदर आ गया है, ये मैंने ही गिरा ना। अब गाइस हम लोग ट्राई करते हैं ये वाले नोजल से और इसको लगा के देखते हैं कि ये कैसा काम करता है। रेडी कैमरा मैन, जल्दी फोकस करो, इधर फोकस करो आप। यहाँ पे अब देख सकते हो गाइस ये गंदा गंदगी जो खिड़की पे जमा हो जाती है, ये दो दिन पहले ही मैंने क्लीन किया है, बस देख सकते हो अब हालत क्या है। ट्राई करते हैं, देखते हैं ये क्लीन होता है नहीं होता है। तो गाइस पूरा डस्ट अच्छे से क्लीन हो गया है, इसके अंदर ये जमा हो चुका है। तो सक्शन पावर इसके बहुत अच्छी है जैसा कि दिख रहा है मुझे अभी। एक ही प्रॉब्लम लग रही है, हीट ज्यादा हो रहा है, जो कि एक्चुअली रिव्यूज में लिखा हुआ भी था, लेकिन ठीक है चलेगा। बहुत लॉन्ग टाइम तक, लॉन्ग ड्यूरेशन तक एक साथ आपको यूज नहीं करना है, आप ब्रेक ले लेके यूज करो तो मुझे नहीं लगता कोई प्रॉब्लम होने वाली है। इसकी सक्शन पावर मैं दिखाता हूँ आपको गाइस। सोफा क्लीन करके देखते हैं वैक्यूम करके ये कैसा, क्योंकि मेन पर्पस वही है हमारा, सोफा गद्दा ये सब क्लीन करना। तो गाइस हमने सोफा क्लीन किया है और पूरा सोफा क्लीन किया हमने सारा, उसका टेबल है, गद्दा है, सब कुछ। उसको देखो ओपन कर रहे हैं हम, तो इतना गंदा, इसमें पूरा डस्ट भरा हुआ है। ठीक है मैं आपको दिखाता हूँ, इतना सोफा से निकला। ये गाइस 4 महीने पुराने सोफे से निकला हुआ डस्ट, थोड़ा सा इसमें हो सकता है कि उसका वो लिंट भी हो, लिंट मतलब जो कपड़े का रेशा होता है वो, लेकिन अब देख सकते हो सिर्फ वही नहीं है, डस्ट भी बहुत भर भर की है जो कि दिखाई नहीं देता आपको। और कहाँ जाता है, आपके नाक से सीधे आपके फेफड़े में। हमारे यहाँ छोटे छोटे बच्चे हैं, सबको कितनी तकलीफ हो सकती है सोचो, जिनके यहाँ 5 साल से सोफा पड़ा है, कभी वैक्यूम क्लीन नहीं हुआ है, तो सोचो उसमें कितनी गंदगी हो। इसीलिए जरूरी था हमारे लिए, ये बहुत कम कीमत में आपको मिल जाता है, एक्चुअली 2000 से कम रुपए में, मुझे पड़ा है 1990 रुपए का, तो वैल्यू फॉर मनी तो है। और हीटिंग का जो प्रॉब्लम था, तो मैंने अभी पूरा सोफा क्लीन किया, ऑलमोस्ट 20 मिनट्स तो लगा होगा मुझे, 20 मिनट्स कंटिन्यूसली मैंने यूज किया है, उतना कुछ बहुत ज्यादा हीटिंग नहीं है, जितना हीटिंग होना चाहिए उतना ही है। ऐसा नहीं कि आप पकड़ नहीं सकते या छू नहीं सकते उसको, ऐसा नहीं है। तो ओवरऑल बहुत ही वैल्यू फॉर मनी हमको लग रहा है ये, और आपके घर में ये होना ही चाहिए अगर आपके घर में बच्चे हैं या आपको डस्ट से एलर्जी है, क्योंकि आजकल हर जगह कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, आपके अगल बगल कहीं भी जाओ इतना धूल है, इतना गंदगी है। और मुझे पर्टिकुलरली बहुत ज़्यादा एलर्जी है डस्ट से, तुरंत नाक बहने लगता है, ये भाई साहब इनको भी एलर्जी है ना, अभी बहने लगा उसको देखो, डस्ट देख कर, डस्ट देख करके तुम एलर्जी है। तो ओवरऑल एक फाइनल अगर आप मुझे पूछोगे रिव्यू, तो वैल्यू फॉर मनी है, आपके हाउस होल्ड के लिए परफेक्ट है, कोई इससे ज़्यादा कुछ नहीं चाहिए घर में, ईजी टू हैंडल है, ईजी टू क्लीन है, कॉम्पैक्ट है, ज़्यादा जगह नहीं चाहिए रखने के लिए। अभी सारा डिसअसेंबल करके इसको वापस बॉक्स में डाल के, छोटे से बॉक्स में आप कहीं भी कोने पे डाल। इफ़ यू वांट टू गो फॉर इट, यू कैन गो फॉर इट विदाउट एनी वरीज। बस ये मैं अभी नहीं बता सकता हूँ कि कितने दिन चलेगा, क्योंकि केंट का है तो वारंटी गारंटी जो भी है वो तो है ही, केंट को तो हम लोग अच्छी कंपनी ही मानते हैं, उसका प्यूरीफायर हम लोग बहुत सालों से यूज कर रहे हैं, कभी कोई प्रॉब्लम नहीं आती है। तो गोइंग विद दैट, डेफिनेटली इट इज़ ए गुड प्रोडक्ट, और इतने प्राइस में इतना अच्छा वैक्यूम क्लीनर मिल रहा है, सब कुछ क्लीन कर सकते हो घर में आप जा सकते हो इसके लिए। तो आज के लिए गाइस इस वीडियो में इतना ही हो गया, अद्वित मजा आया ना। हाँ। वैक्यूम क्लीनर मिलते हैं आपसे एक अगले वीडियो में, तब तक लिए अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, बाय बाय, टेक केयर, सी यू सून।